News 18, India. नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है। विजय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोड़ी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे, अब उस पर तो आपको बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बकवास क्या दोबारा तिवारा जो है रटा जाए, कहा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए, कोनो आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं, कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं, और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते, अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माइका लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए, विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का, कि तीसरे नंबर का पार्टी हो गए, और चर्चा तो बाजार में भी चल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी, एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है, अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया, अब देख लीजिए। लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है हाँ? आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर, जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है, खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है, नौकरियां तो निकल ही रही है। और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को,
तो मेरा सबसे पहला कंडीशन विजेंदर जी आपको याद होगा, हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी बोले हो जाएगा हो जाएगा, और दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जब हम लोग ओथ ले लिए अपने एस सिद्धार्थ जी होंगे, ठीक है विजेंद्र जी, विजय जी ठीक है ना, वित्त मंत्री थे ना, तो वित्त सेक्रेटरी थे उस समय सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी को भेजा गया, बहुत काबिल अधिकारी है, बहुत सम्मान है हमारा, तो सिद्धार्थ जी आकर के हमारे पास बोलते, हम बोले मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ नौकरी का क्या हुआ, दीपक जी को बोले, मुख्यमंत्री जी को बोले, विजय जी को बोले, सब बोल रहा है कि आपने वादा किया था चुनाव में, हालांकि हम तो सीएम बने नहीं थे, हम दस्तखत कर देते, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी हमारे पर जिम्मेदारी थी, फिर भी हमने शांति को बोलिए, कई बार जो है कहा, तो उसके बाद फोन आता है और कहा जाता है कि सिद्धार्थ जी जा रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव है, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सिद्धार्थ जी आते फाइल दिखाते, कैसे होगा सर, कुछ नहीं है पैसा, कैसे होगा, हमने बोल दिया किसी भी हालत में ये काम हम लोगों को करना है। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम किया, तो हम लोग सही बात बोलते थे, बोलिए कि जातीय जनगणना जातीय आधारित गणना के बारे में यही ना हाउस से हम यही ना बैठे थे, यही से ना हमने प्रस्ताव किया था, हालांकि आप पहले से मांग करते रहे, हमारे पिता भी मांग करते रहे, खाली भाजपा वाला को छोड़ के, सही बात है कि नहीं, और आप बताइए ना क्या क्या भाजपा वाला लोग बोलता था उस समय, हाँ सॉलिटर जनरल कौन है वहां बड़ा महाधिवक्ता, क्या नाम है उनका, सुप्रीम कोर्ट में करा दिया था रोकने के लिए, तुषार मेहता को खड़ा कर दिया था जो हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे, तो आप तो जानवे ना करते हैं, सब बात जानते हैं, फिर भी वहां चले गए। अब बताइए कर्पूरी जी को मिला हमको तो बहुत खुशी की बात है, कर्पूरी जी को मिला, आप कर्पूरी जी के साथ हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं, आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे, आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे उनकी सरकार थी तो जनसंघ जो था उस सरकार में था, जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, कौन हटाया, और आप कहां बैठ गए, आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी, और वही जनसंघ वाले भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई, कर्पूरी जी हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं, और आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी, बताइए, हम अगर गलत बोल रहे तो इस बात को बताइए, विजेंद्र जी विजय जी आप लोग सब लोग उस समय रहे हैं भाई, सब लोगों ने नेतृत्व में काम किया है, हालांकि पता नहीं उस समय विजय जी शायद कांग्रेस में थे, लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं, तो इतना सब लोग का सहयोग रहा, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो, सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं,
और हम लोगों ने कितना आरक्षण बढ़ा दिया, 75%। लालू जी का जब सरकार था तो उस समय शायद 12 या 14% था, राबड़ी जी के सरकार में 18% हुआ। उसके बाद जो है आप आए तो और बढ़ गया, हम लोग आए तो 75% तो हम लोग ले ही गए, लेकिन 24 के आसपास जो है अति पिछड़ों का आरक्षण जो है वो मिला। तो हम लोग तो ये सब काम करते रहे, और हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। एक जगह खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इधर उधर हम लोग नहीं करते। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है, इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं है, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे। और आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उधर चला गया, जब इस्तीफा देकर के आए थे गवर्नर हाउस से, तो ये बात तो बोले कि मन नहीं लग रहा था, दूसरा बात ये बोले कि क्रेडिट ले रहा था मेरा डिपार्टमेंट विभाग राज्य जी का। हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले। एक मिनट, अब आप लोग सरकार बना लिए, एक मिनट या सुनिए ना भैया, सुन तो लो, सुनना ही नहीं चाहते, आप ही के हित में बोलना चाह रहे। तो आप बोले क्रेडिट का, सम्राट जी विजय सिन्हा जी, ये हम आप लोग को पहले सचेत कर दे रहे हैं, सचेत इस बात का करें कि महागठबंधन की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप लोग अभी सरकार में है, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले, आप लोग बताइए क्यों ना ले। अब आप लोग सरकार में आए भाजपा के लोग, और नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा, क्या कहो, क्या कहिए। अरे भाई बैठ, शांति शांति। हम लोग पिछला जब सत्र चल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछला सत्र चल रहा था तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में आए, गुस्सा में तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी। अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले थे, गलत सलत दवा खिला देता है, और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था, बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी। अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ, कोई नहीं जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको, तो आप दवाई अच्छे से खिलाइए पिलाइए, और थोड़ा बगले में कमरा ले लेते, जाके ले लीजिए, अगर जाए सच में अगर चिंता है तो आप कमरा ले लीजिए, वरना आज अगर आप बोलिएगा तो अपना वचन वापस ले लीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बाहर बोले थे। नहीं, आप बोलिएगा ना, आपका बारी आएगा। अरे बैठिए, आपको मौका मिलेगा, माननीय सदस्य बैठ जाइए, मौका मिलेगा आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, अच्छा से बोलिएगा, बैठिए। अरे कोनो नया बात बोलिए ना, वो हट गए तो हमने उनको बोल दिया, तो वो साथ आ गए तो हमने तारीफ कर दिया, वो उधर चले गए तो हमने बुराई कर दिया, तो कौन नहीं करता।